दुनिया के कई देशों में नहीं है वीआईपी कल्चर, आम लोगों की तरह ही रहते हैं राष्ट्राध्यक्ष। रेड लाइट कैन बी कैरीड ऑन व्हीकल्स ऑफ सर्टेन हाई डिग्निटरीज हु आर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल रूल है और केंद्र सरकार संशोधन करके इस रूल को रूल बुक से हटा रही है, और इस रूल को अबॉलिश करने का और इसको हटा देने का अर्थ ये होगा कि ना केंद्र में ना किसी राज्य में कोई भी ऐसा डिग्निटरी नहीं होगा जिसको केंद्र या राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है कि वो रेड लाइट कैरी कर सकता है। नीदरलैंड्स की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है और कुल घरेलू उत्पाद में उसका स्थान दुनिया में 16वां है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बाइसिकल कैपिटल नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रेते सालों से अपने घर से दफ्तर साइकिल से जाते रहे हैं। ये काम रेते अपने देश में ही नहीं करते, बल्कि विदेशी दौरों में भी उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो साइकिल पर चलने की ये परंपरा जारी रखें। पिछले साल जब वो इजराइल के दौरे पर गए, तब वो अपने होटल से मीटिंग वेन्यू तक साइकिल से पहुंचे थे। और तो 4 साल पहले जब हॉलैंड के नए राजा विलेम अलेक्जेंडर ने कार्यभार संभाला, तो शाही दंपत्ति को कई बार औपचारिक समारोहों में साइकिल पर जाते देखा गया। आपको बता दें कि स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलेफ पाम की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो फरवरी 1986 में सिनेमा हॉल से एक पिक्चर देखकर पैदल वापस अपने घर लौट रहे थे। इस घटना के 17 साल बाद 11 दिसंबर 2003 को स्वीडन की विदेश मंत्री अना लिंड को भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी करते हुए एक शख्स ने चाकू मार दिया था। लेकिन इन सब के बाद भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर वहां कोई जुनून नहीं देखा जाता। दुनिया के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार वॉशिंगटन और दूसरे शहरों के प्रमुख रेस्टोरेंट में खाना खाया है। वो कई बार वॉशिंगटन के बेंस चिली बोल में अपने परिवार के साथ खाना खाते देखे गए हैं। अपनी वियतनाम की सरकारी यात्रा के दौरान ओबामा ने अपनी गाड़ियों का काफिला रुकवा कर हनोई के एक मामूली रेस्टोरेंट में प्लास्टिक की स्टूल पर बैठकर वहां के मशहूर व्यंजन बन शा का आनंद लिया था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को भी कई बार लंदन की ट्रैफिक लाइट पर रुककर बत्ती हरी होने का इंतजार करते देखा गया। जब उनका प्रधानमंत्री के रूप में पहला दिन था, तो एक शख्स ने सुबह सुबह उनके घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट की घंटी बजाई थी और ब्लेयर की पत्नी चेरी ब्लेयर ने जमाई लेते हुए खुद दरवाजा खोला था और वहां मौजूद सैकड़ों कैमरों ने वो दृश्य कैद किया था। पूर्व विदेश मंत्री डेविड कैमरन अपने कार्यकाल में खुद ट्रक पर अपना टेलीविजन लादते देखे गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और मंत्री अक्सर मेट्रो पर सवारी कर अपने दफ्तर पहुंचते हैं। एक बार तो हद ही हो गई जब डेविड कैमरन ने मेट्रो पर उनके साथ सफर कर रही एक महिला के बच्चे की तारीफ कर दी। वो महिला उन्हें पहचान नहीं पाई और अपने पति से पूछ बैठी कि ये शख्स कौन है जो मेरे बेटे की इतनी तारीफ कर रहा है। जब उसके पति ने कहा कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और उसने कैमरन से माफी मांगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चुनाव जीता तो उन्होंने मॉन्ट्रियल के एक मेट्रो स्टेशन पर जाकर आम लोगों का अभिवादन किया था। क्या भारत में भी वीआईपी कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? वीआईपी कल्चर खत्म होने पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे मैनेज होगी? इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।